नमस्कार दोस्तों, तो राजस्थान के मौसम के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जो अपडेट है वो देने का प्रयास करूंगा। तो राजस्थान के अंदर देखा जाए तो आगे आने वाले समय के अंदर मौसम के अंदर आपको जो है बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तरी भारत के अंदर एक और नया जो पश्चिमी विक्षोभ है यानी वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है वो जो है वो प्रवेश करने वाला है, जिसका असर आपको आगे आने वाले लगभग 29, 30, 31 और 1 नवम्बर को भी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना कि आप जो राजस्थान के अंदर किस जिले से बिलोंग करते हैं और फिलहाल किस तरह का जो मौसम है वो आपके एरिया के अंदर बना हुआ है। उत्तरी राजस्थान से अगर शुरुआत की जाए तो उत्तरी राजस्थान के अंदर यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू इन जिलों के अंदर तापमान के अंदर आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों तक 1 से 2 डिग्री की जो है वो आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी बढ़ोतरी यहाँ पर जो है वो 1 से 2 डिग्री तापमान के अंदर हो सकती है। कारण ये है कि जब भी पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसकी वजह से जो गतिविधियाँ होती है उससे पहले 1 से 2 डिग्री की यहाँ पर जो है वो तापमान के अंदर वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है, यानी 28 और 29 तारीख को। इसके बाद में बात करें तो लगभग जो वो 30, 31 तारीख को यहाँ पर बादलों की आवाजाही जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर यहाँ पर बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है वो हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होने का या मध्यम दर्जे की भी बारिश होने का जो अनुमान है वो नहीं है। हल्की बारिश की गतिविधियाँ बहुत ही चितराई बारिश के रूप में गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ चूरू के क्षेत्रों के अंदर भी जो है वो 30 और 31 तारीख के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन अधिकतर स्थानों के ऊपर बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के अंदर मौसम जो है वो लगभग साफ बना रहेगा। बहुत ज़्यादा इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो बारिश की संभावना है वो नहीं है। कारण ये है कि आसपास के क्षेत्रों के अंदर एंटी साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर बने हुए हैं, जिसकी वजह से बात करें तो यहाँ पर जो है वो पश्चिमी विक्षोभ का उतना असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा जितना कि आगे आने वाले समय के अंदर जब ये स्थितियाँ जो है वो अनुकूल हो जाएंगी या पश्चिमी विक्षोभ थोड़े दक्षिण की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो उस स्थिति के अंदर ज़्यादा आपको जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो इन जिलों के अंदर यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर इन जिलों के अंदर जो वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अपडेट यही है कि आगे आने वाले लगभग 1 से 2 दिन तक तापमान के अंदर थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, उसके बाद में तापमान के अंदर यहाँ पर जो गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरह से बात की जाए तो जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर, सीकर के अंदर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर इन जिलों के अंदर भी मौसम जो है वो लगभग आगे आने वाले लगभग 1 से 2 दिनों तक शुष्क बने रहने का अनुमान है। तापमान के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी या कमी की उम्मीद यहाँ पर जो वो नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का भी असर जो है वो 30 और 31 तारीख को बादलों की आवाजाही की के रूप में आपको जो वो देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर जो नहीं है। इसी तरह से अजमेर के अंदर, नागौर के अंदर और टोंक जिले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो तापमान के अंदर आपको जो है वो कमी देखने को मिल सकती है, यानी 1 से 2 डिग्री तक की कमी आगे आने वाले समय के अंदर तापमान के अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से जो सर्दी का एहसास है वो बढ़ सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी जो है वो सर्दी और ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है, जिसके अंतर्गत जैसलमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जालौर के अंदर, पाली के अंदर इन जिलों के अंदर तापमान जो है वो और ज़्यादा 1 से 2 डिग्री या 3 डिग्री तक जो है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से जो सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको जो है वो महसूस हो सकती है या सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि इस बार, इस वर्ष आगे आने वाले समय के अंदर ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी पड़ने का जो है वो कहीं ना कहीं संकेत यहाँ पर जो वो दे रही है। तो ये यहाँ पर जो अपडेट है वो पश्चिमी राजस्थान के लिए निकल करके सामने आ रही है, जहाँ पर बारिश की संभावना तो नहीं है लेकिन तापमान के अंदर जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। इसी तरह से बात करें तो राजसमंद के अंदर, उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इन जिलों के अंदर भी मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है, और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की जो संभावना है वो बिल्कुल नए के बराबर है, और तापमान के अंदर जो है वो 1 से 2 डिग्री तक की कमी हो सकती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ यानी हड़ौती क्षेत्र के अंदर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है वो बारिश की संभावना बिल्कुल नए के बराबर है, तापमान के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन अपडेट खास तौर से बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं तापमान के अंदर और ज़्यादा कमी आने की उम्मीद है, और आगे आने वाले समय के अंदर कड़ाके की सर्दी, खासतौर से बात करें तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के अंदर, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर और पूर्वी राजस्थान के अंदर जो है वो और ज़्यादा जो सर्दी है वो बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ
इस पश्चिमी विक्षोभ के बाद में, यानी नवंबर के पहले सप्ताह के बाद में जो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उनका असर हो सकता है कि और ज़्यादा जो है वो उत्तरी राजस्थान के अंदर और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश के रूप में या कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो ओलावृष्टि के रूप में भी आपको जो देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी आगे आने वाले एक सप्ताह तक ऐसी जो उम्मीद है वो बहुत ही कम है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो अपडेट दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।